हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सबका एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि बच्चे को बिस्किट कब से खिलाना चाहिए और कौन से बिस्किट बच्चे के लिए अच्छे होते हैं, मतलब कि अपने बच्चे को कौन से बिस्किट देने चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए, इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, मार्केट में जितने भी बिस्किट आते हैं वो मैदा से बने हुए होते हैं, और जैसे आप सबको पता है फ्रेंड्स कि बच्चे की जो आंतें होती हैं वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती कि वो मैदा को इजीली डाइजेस्ट कर पाए। जैसे आप सबको पता है, हम भी बड़े हैं, अगर जिस दिन हम मैदा की कोई भी चीज खा लेते हैं तो हमारा पेट बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, मतलब कि जो मैदा है उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। इसीलिए बच्चों का सोचिए, बच्चों की आंतें तो और ज्यादा वीक होती है, इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती है, तो सोचिए वो मैदा को कैसे जल्दी डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो फिर क्या होता है, बच्चे को अगर हम मैदा के बिस्किट खिलाते हैं मार्केट वाले, तो बच्चे का पेट भारी रहेगा, पेट में दर्द होगा और गैस की दिक्कत भी बच्चे को हो सकती है। मार्केट में जितने भी बिस्किट आते हैं उनमें क्या होता है कि ट्रांस फैट होता है, केवल न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होते, जीरो न्यूट्रिशन होते हैं। दावे बहुत ज्यादा किए जाते हैं पैकेट पे, इतना परसेंट न्यूट्रिशन, इतना परसेंट प्रोटीन, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंपनियां सिर्फ मैदा मिला मिला के और चीनी मिला मिला के बिस्किट बेचे जाती हैं, किसी भी तरीके के इसमें न्यूट्रिशन नहीं पाए जाते हैं। इन बिस्किट को खा के सिर्फ क्या होगा कि बच्चे का सिर्फ फैट बढ़ेगा, क्योंकि इन बिस्किट में फैट की मात्रा ज्यादा होती है। बिस्किट में चीनी तो भर भर के यूज की ही जाती है, पर शायद आप सबको पता नहीं होगा कि बच्चे को एक साल तक चीनी नहीं देना चाहिए। जब आपका बच्चा एक साल का कंप्लीट हो जाता है तभी बच्चे को चीनी देना स्टार्ट करना चाहिए, उससे पहले बच्चे को चीनी नहीं देना चाहिए। चाहे चीनी से बने बिस्किट हो, चीनी वाला दूध हो, कोई भी ज्यादा मीठी चीज हो, बच्चे को नहीं देनी चाहिए। आप अगर अपने बच्चे को बिस्किट देना चाहती हैं, ऐसा बिस्किट चूज करें जिसमें ज्यादा ट्रांसफैट ना हो और ज्यादा चीनी की मात्रा ना हो। जब बेबी को हम कुछ भी ऊपर का खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब आफ्टर 6 मंथ, तभी आप बेबी को बिस्किट दें, ठीक है? इससे पहले बच्चे को बिस्किट देने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही मैं आपको बताना चाहती थी। आई होप आपके लिए ये वीडियो नॉलेजेबल रहा होगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।